सो हेलो गाइस, यार कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में आपको डीजे एक्सो का थंबनेल का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। और जो डीजे एक्सो के थंबनेल भाई काफ़ी ज़्यादा ओपी होते हैं, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल ही रहेगा, उन्हीं में से एक का मैं आपको थंबनेल का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे 3K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। तो गाइस यार ऐसी सपोर्ट करते रहो, एंड वीडियो को नहीं किया है लाइक तो कर देना लाइक, एंड चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना यार, हम जल्दी ही 4K कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको PSCC अपना ओपन कर लेना है, एंड 1920 एंड 1080 का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके ओके कर देना है। एंड ओके करने के बाद नीचे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड प्लस वाले आइकन पे जाना है, एंड फोटो लेयर एंड फोटो लाइब्रेरी पे जाने के बाद आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है, जिसका पैक लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है इजीली। एंड प्लस वाले आइकन पे दोबारा जाना है, और इस बार आपको ये कैरेक्टर भी पैक में मिल जाएगा, इसे भी इम्पोर्ट कर लेना है। तो गाइज ये कैरेक्टर भी आपको मेरे पैक में मिल जाएगा, ये कैरेक्टर मैंने खुद से बनाया है, काफ़ी मेहनत लगी है बनाने में। और अगर आपको जानना है कि ये वाला कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड दोबारा से आपको प्लस वाला आइकन पर जाके एम्प्टी लेयर निकाल लेनी है, और जो एम्प्टी लेयर है उसे कैरेक्टर के ऊपर ही रखना है। एंड लेफ्ट साइड पे आपको बहुत सारे आइकन्स देखने को मिल रहे हैं, उसमें जाके आपको ब्रश वाला टूल ले लेना है। एंड ब्रश वाले टूल पे जाके जो इसका कलर है उसे आपको ऑरेंज रखना है, ऑरेंज भी रख सकते हो या येलो भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो कलर रखना है वो रख सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना ऑरेंज और हल्का ऑरेंज लिया है। तो आप यहाँ पे हमारे ब्रश के साइज़ वगैरह आप देख लो, यही आप सेम रखना, जिसमें आपको ओपेसिटी और साइज़ को हल्का सा कम कर लेंगे हम। पहले ओपेसिटी को तो हम कम ही रखना है, और बाकी सब सेटिंग आप देख लो, और साइज़ को थोड़ा सा कम करके आपको यहाँ पे ऐसे ब्रश इसके ऊपर कुछ ऐसे टाइप से मार देना है, जैसे कि मैं मार रहा हूँ वैसे आपको सेम मार देना है कैरेक्टर के ऊपर। और ये कैरेक्टर की डाउनलोड लिंक तो आपको पता ही है, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं खोलना आता मेरे लिंक, तो आपको उसके नीचे ही वो वाली वीडियो में मिल जाएगी। फिर इसे सिंपली लीनियर डॉट्स कर देना है, एंड FX पे आके गॉसियन ब्लर दे देना है, एंड गॉसियन ब्लर भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे मैंने रखा है वो भी रख सकते हो। एंड देन आपको जो कैरेक्टर था उसका सिलेक्ट पिक्सल करके, फिर जो ग्लो वाली लेयर हमने निकाली थी एम्प्टी लेयर, उस पर एक्सट्रैक्ट कर देना है, एंड फिर डिसलेक्ट कर लें, एंड दोबारा से एम्प्टी लेयर निकाल लेंगे यहाँ पे, और इस बार ओपेसिटी को मतलब थोड़ी सी कम कर देंगे, एंड फिर दोबारा से हम यहाँ पे लीनियर डॉट्स कर देंगे, एंड FX पे आके गॉसियन ब्लर दे देंगे दोबारा से, जिससे कि हमारे और जो कैरेक्टर की ग्लो है और काफ़ी ज़्यादा देखने में मस्त लगने लगी है यहाँ पे। तो ऐसे आप बना सकते हो, और अगर आप इसमें अपना टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करूँगा, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सिंपल भी रख सकते हो थंबनेल को, ऐसे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगेन आपको ब्रश वाले टूल पे चले जाना है, लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको देखने को मिल ही रहेगा, ठीक है। तो उस पर जाने के बाद आपको ब्रश की साइज़ वगैरह देख लेना, पहली वाली वैसे तो डिफ़ॉल्ट में ही रहेगी जो आपने पहले जो सेटिंग लगाई होगी। एंड देन आपको यहाँ पे कैरेक्टर के ऊपर कुछ ऐसे कर देना है, और जो इसकी जो लेयर है उसे हमेशा मतलब हमेशा नहीं मतलब कह रहा हूँ मैं, इस वाले कैरेक्टर के ऊपर ही रखना है, ठीक है। एंड लीनियर डॉट्स करके FX पे आके गॉसियन ब्लर दे देना है, एंड दो बार देना है गॉसियन ब्लर, एक बार से काम नहीं चलने वाला तो दो बार दे देना, एंड दोबारा से एम्प्टी लेयर निकाल लेना, और इस बार आपको कैरेक्टर के नीचे रखना है। और अब हम यहाँ पे ग्लो इसको इसके पीछे ग्लो देने वाले हैं, तो ग्लो देने के लिए आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है, मैंने यहाँ पे पर्पल लिया है थोड़ा सा, एंड वाइट थोड़ा सा वाइट ले लेंगे, जिससे कि हमारा ग्लो काफ़ी ज़्यादा ओपी लगने लगेगा। एंड लीनियर डॉट्स करेंगे, एंड देन दोबारा से FX पे जाके गॉसियन ब्लर दे देंगे, एंड अगेन दोबारा से गॉसियन ब्लर दे देंगे, एंड इसे थोड़ा ट्रांसफॉर्म पे जाके बड़ा कर देंगे, एंड फिर भी हमें थोड़ा सा ग्लो में और भी काम बचा हुआ है तो उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें थोड़ा सा वाइट इफेक्ट देना है पीछे की साइड। तो अगेन हम यहाँ पे गॉसियन ब्लर देंगे, एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्टी लेयर निकालेंगे, एंड पीछे वाइट कलर से ब्रश यहाँ पे मार देंगे, जिससे कि हमारा ग्लो पीछे का काफ़ी ज़्यादा ओपी लगने लगेगा, अवेसम लगने लगेगा, काफ़ी ज़्यादा मस्त लगने लगेगा। तो यार अभी तक वीडियो को नहीं किया लाइक तो कर देना लाइक, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो चैनल पर, नहीं तो भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखना। और यहाँ पे हमारा ग्लो का काम भी रेडी हो चुका है, एंड आपको मेरे एक एक स्टेप को फॉलो करना है, जैसे मैं जो जो करता हूँ वो आपको करना है। और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट ले आया हूँ एम्प्टी मतलब प्लस वाला आइकन पे जाके, अगर आपको टेक्स्ट ऐड नहीं करना है तो आप नहीं करना, यहाँ पे जाके सीधा डन पे जाके सेव कर देना, ऐसे भी आपका थंबनेल काफ़ी ज़्यादा ओपी लगने लगेगा। लेकिन
मुझे यहाँ पे अपना ऐड करना था टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लिया है। ओवरले कर ले करेंगे हम इसे और डुप्लीकेट कर लेंगे, एंड देन हमारा थंबनेल बन के रेडी हो चुका है। तो डन पे जाके सेव एंड शेयर वाले ऑप्शन पे जाके सेव टू गैलरी कर देंगे। यहाँ पे आपको शेयर वाला ऑप्शन मिल रहा है एंड उस पे जाके सेव टू गैलरी कर देना है सिंपली। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड यार वीडियो को नहीं किया लाइक तो कर देना लाइक, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।